अलगुमी उम्मीद तो आप सखरिय से होंगे तो आज हम लोग स्टडी करेंगे मसल्स कनेक्टिंग द अपर लिम विद द वटरबरल कॉलम यानी कि जो ऐसे मसल्स जो कि अपर लिम को कनेक्ट करते हैं विद द वटरब्रल कॉलम आपका जो बैक बोन है या रीढ़ की हड्डी है उसके साथ ठीक है उन मसल्स को स्टडी करेंगे सो so, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं नाम मैं आपको पहले बता देता हूँ तो सबसे पहले जो यहाँ पे है वो ट्रैपीजियस है दैन लेटिसम स्टॉल्स है इन नामों का अपने रट्टा ही लगाना है ठीक है? कैपोली रोमबाइड माइनर एंड रोमबाइड मेजर ठीक है तो नामों को रट्टा लगा लो इसके अलावा बाकी चीज़ों का याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है ठीक है अब हम सबसे पहले देखते हैं ट्रेपीजियस को ठीक है सो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सबसे पहले ओरिजिन ओरिजिन को मैंने रेड से हाईलाइट किया और जो इंसर्शन है उसका मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ so, है सो तो ओरिजिन इसका होता है सबसे पहले इसे नाम पढ़ लेते हैं मीडियल हाफ ऑफ द सुपीरियर नकल लाइन मैं आपको बताता हूँ सुपीरियर नकल लाइन क्या है एंड देन द लिक्वेंटम नुकाई ये भी बताऊंगा एंड देन सी सेवन से टी ट्वेल्व वर्टी ब्राउ वर्टीप्रा के बैक बोन रीढ़ की हड्डी होती है सी सेवन जो है वो सर्वाइकल नंबर सेवन है और सी सेवन से लेकर टी ट्वेल्व तक यानी कि टी वन टी टू थ्री टी टी थ्री टी फोर्टी फाइव एन सो ऑन अप टू टी ट्वेल्व तक जो ट्रापीजियस है वो ओरिजिनेट होता है ठीक है सो so, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ तो ये आपकी बुक की डायग्राम है ये सारा का सारा मसल जितना मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ ये ट्रापीजियस है एंड आप इसको देख सकते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है एक तो ये जो लाइन है ना ये स्कल है ठीक है और स्कल के नीचे यहाँ पर एक आप इसे लाइन तो नहीं कहते असल में ना ये ग्रूव सा होता है सो so, इसको हम कहते हैं सुपीरियर नक्कल लाइन ठीक है आप इसको देख सकते हैं कि मीडियल एंड से इसका ये लेटरल पार्ट है ना सुपीरियर नक्कल लाइन का सो so, ये वाला कौन सा पार्ट होगा मीडियल पार्ट होगा ठीक है मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर नक्कल लाइन से एक तो ऑरिजिनेट करें इसके अलावा ये जो मैंने यहाँ पर रेड से शो किया हुआ है रेड से हाईलाइट किया हुआ है मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ जी तो यहाँ पर जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है ये जो रेड से हाईलाइट किया हुआ है ये है लेकिन मैंटम ठीक है तो यहाँ से भी ऑरिजिनेट करें जाहिर सी बात है अच्छा आप ना चीज़ों को डायग्राम से याद रखना होता है क्योंकि अगर डायग्राम से याद नहीं रखोगे ना तो चीज़ें भूल जाएंगी सो so, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझा रहा हूँ इसके बाद ये सी सेवन स्पाइन आ गया ठीक है एंड देन टी वन से लेकर अप टू टी यहाँ तक टी ट्वेल्व स्पाइन तक या टी ट्वेल्व या तक ये ओरिजिनेट कर रहा है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं इसका इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है ठीक है सो so, इंसर्शन के लिए मैं इसको जरा वापसी इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊँ जी तो इंसर्शन के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू से शो किया हुआ है लेटरल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्लेविकल हमने पढ़ा था कि जो क्लैविकल होती है उसका जो लेटरल एंड है छोटा होता है एंड उसके पोस्टीरियर सरफेस पे लेटरल एंड के पोस्टीरियर सरफेस पे जाके ट्रेपीजियस इंसर्ट होता है समझ आ गई लेटरल एंड के पोस्टियर सर्फेस पे जाके जो ट्रेपीजियस है एक तो इंसर्ट होता है इसके अलावा या आप इसे लेटरल बॉर्डर भी कह सकते हैं ठीक है लेटरल बॉर्डर होता है वैसे नॉर्मली जो होते हैं किसके क्लैविकल ठीक है तो आप लेटर बॉर्डर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके अपर दूसरा जो इसका इंसर्शन है वो है अपर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ स्पाइन एंड एक्रोमियन प्रोसेस सो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ अपर लिप ऑफ क्रस्ट ऑफ स्पाइन यानी कि जो स्पाइन है ना उसके जो उभरा हुआ पोर्शन होता है हमने पढ़ा था स्कैपुला बोन में वो से हम कहते हैं स्पाइन क्लस्ट्रोस्पाइन ठीक है उसका जो अपर लिप है उसके दो लिप्स बने होते हैं ना एक अपर लिप होता है एक लोअर लिप होता है ठीक है आ, सो उसका जो लोअर लिप होता है वहाँ से ये ड्रापिसिस जो है वो ओरिजिनेट करता करो मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ सो ये देखें आ, ये एक प्रोसेस है ठीक है और ये क्लस्ट्रो स्पाइन है ठीक है इस क्लस्ट्रो स्पाइन का ये अपर बॉर्डर से या अपर लिप से ओरिजिनल ऊपर बॉर्डर पे जा अपर सरफेस पे जाके या अपर बॉर्डर आप कह सकते हैं उसमें जाके इंसर्ट होता है ट्रेपीजिस का मैसे सो नेक्स्ट मसल जो हम पढ़ेंगे वो है लेटेस्ट डॉर्साई तो लेटेस्ट डॉर्साई का भी मैं आपको पहले बता दूँ ओरिजिन क्या है सो so, ई से लेकर टी ट्वेल्व तक ठीक है एल वन से एल फाइव तक अच्छा ये, आपको ट्रेपीज याद हो गया ना ठीक है सो so, अब हम देखेंगे लेटेस्ट मेट्राउस को अगर फिर भी याद नहीं हुआ तो एक मतलब वीडियो को रिवाइंड कर ले इंशाल्लाह याद हो जाएगा सो so, ओरिजिन हो रहा है टी सेवन से लेकर टी टेल्व तक इसका कहाँ से था सी सेवन से टी ट्वेल्थ तक ठीक है अब दरमियान से दर ये तकरीबन जो आपके वर्ट थोड़ा सी क्वर्टिब्रा है उनके सेंटर से तकरीबन निकलता है यानी कि टी सेवन हाफ ही बन जाता है टी सिक्स तक फिर उसके बाद टी सेवन से टी ट्वेल्व तक छः वर्टिब्रा ये बनते हैं एंड देन एल वन से एल फाइव तक यानी कि लंबर वन टिब्रा वन से लंबर वर्टिप्रा फाइव तक ठीक है और इसके अलावा हिप बोन का ना जो इलिय क्रस्ट होता है वहां से भी ओरिजिनेट करता है मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है सो so, आप डायग्राम याद रख रहे हैं आपको आप बाकी सारी चीजें याद हो जाएंगी तो ये है सारा का सारा लेटिसमस टॉल साइकम ठीक है अब क्या हो रहा है कि यहां से ये टी सेवन स्टार्ट हो रहा है ठीक है एंड देन ये कंटिन्यू करें यहाँ तक एंड देन फिर आगे जो है लंबर वर्टी स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ तक टी टू एल्वर्टी ख़त्म एंड देन आगे लंबर वर्टी पर एल वन एल टू एल थ्री एंड फोर एंड फाइव सो एल फाइव तक ही होते हैं वैसे नॉर्मली सो so, यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको ओरिजिनेट हो रहा है ड्राइफिस ने भी इसे थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है एंड नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पर ना नीचे की तरफ इलियक बोन होती है और इलियक बोन का भी इलियक रेस्ट हो इलियक ए पोर्शन होता है सॉरी ही बोन होती है उसका एक इलियक पोर्शन होता है इलियक पार्ट आप उसे कह सकते हैं और इलियक पार्ट के अंदर एक इलियक क्रस्ट होता है जिस तरह क्रस्ट ऑफ स्पाइन था ना उभरा हुआ पोर्शन इस तरह इलियक बोन के ऊपर भी एक उभरा हुआ पोर्शन होता है जिसमें कहते हैं एलिय क्रस्ट ठीक है ये उभरा हुआ पोर्शन होता है ये वाला ठीक है सो so, इसको आप देखें तो यहाँ से भी ये ना नीचे की तरफ आएगा ये लोगों ने पूरा नहीं बनाया हुआ है ये सारा नीचे की तरफ भी आता है ठीक है सो so, ये सारा पोर्शन से इस सारे पोर्शन से ये ओरिजिनेट करेगा एंड देन हम देखते हैं कि इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है सो so, इंसर्शन इसका होता है जो ह्यूमरस बोन है उसका जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है उसके फ्लोर से जाके ये इंसर्ट होता है मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा एंड थ्री व्यू में दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे ओरिजिनल इंसर्ट होता है जाकर सो so, इंसर्शन होता है फ्लोर ऑफ़ द बाइसिपिटल ग्रूव में ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि बाइसिपिटल ग्रूव होता क्या है वैसे मैंने आपको जो ह्यूमरस बोन है उसकी वीडियो में भी समझाया हुआ यहीं पर बना देता हूँ सपोज करें ये ह्यूमरस बोन है ठीक है ठीक है इसका एक ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर लेसर ट्रोक एंटर होता है इन दोनों के दरियान में ना एक डिप्रेशन सा बना होता है खड्डा सा बना होता है जो मैंने दरमियान में जगह छोड़ दी इनके दरमियान इसे हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव ठीक है बाइसिपिटल ग्रूव और उसके फ्लोर यानी कि जो उसका डिप्रेस्ड एरिया है वहाँ से ये वहाँ पर जाके ये इंसर्ट होता है नेक्स्ट हम देखेंगे लेवेटर स्कैुल को ठीक है सो लेवेटर्स कैपोली वैसे ही हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं पहले सो लेवेटर्स कैपोली का ना मैंने में वीडियो में डिस्कस किया वो अच्छी तरह से तो यहाँ पर सिर्फ ना रट्टा लगा लो फिलहाल यहाँ पे ज़्यादातर जो ओरिजिनेट ओरिजिन origin, है ना इसके जितने भी मसल्स हैं यहाँ पे जिन उनका भी ओरिजिन है वो मेनली थ्रू द वर्टिब्रा है तो यहाँ पे देख लो दोबारा से कि सी वन और सी टू एंड देन सी थ्री सी फोर इन वर्टिब्रा से ओरिजिनेट कर रहे हैं ठीक है एंड देन उनके स्पाइनस प्रोसेस हैं ट्रांसफर प्रोसेस ये स्पाइनस और तो ट्रांसफर दोनों होता है जो सी थ्री सी फोर है उसके लिए स्पाइनस प्रोसेस इन्वॉ होते हैं जहाँ से ओरिजिन होता है ठीक है तो इनको रट्टा लगाना है लगाने एंड देन इंसर्शन कहाँ पर होता है इंसर्शन लेवेटर स्कैपोली बॉर्ड माइनर एंड बॉड मेजर इन तीनों मसल्स का जाकर स्कैपुला पर होता है ये ऊपर नीचे इस तरह अटैच होते हैं मैं आपको आगे दिखाऊँगा अभी वीडियो क्लास में जहाँ पर मैं आपको सारे रेडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इंसर्ट हो रहे होते हैं ठीक है सो लेवेटर स्कैपोली का पहले मैं बता देता हूँ इंसर्शन के ये सुपीरियर एंगल एंड अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर जो स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर होता है यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला ठीक है सो स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है उसके सुपीरियर एंगल एक तो सुपीरियर एंगल से लेकर अपर पार्ट यानी कि ऊपर ऊपर वाले पोर्शन तक ही रहता है ठीक है अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, सो so, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ यहीं पर ये देखिए जरा जो ये वाला पोर्शन है ये सुपीरियर एंगल से लेकर अपर पार्ट ऑफ द स्कैपुला तक तो, का तो जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे लेवेडर स्कैपोली का इंसर्शन है ये जो ब्लैक से शो किया गया ठीक है अब हम देखेंगे रंबॉय माइनर को ठीक है सो आपने चीजों को डायग्राम से याद रखना होता है अब रामबॉय माइनर क्या है ओरिजिन जाहिर सी बात है दोबारा से वर्टिब्रा होंगे और जो सी वन से लेकर सी टू सी थ्री सी फोर ये तो कवर हो गए ठीक है अब आपने ना इन तीनों का आपस में कंपैरिजन से याद रखना है ऊपर वाले जो दो हैं उनको रट्टा लगा लेना है नीचे वाले दो कंपैरिजन से याद रखो तो आपको नॉर्मली तीन चीज़ें ही याद रखनी पड़ेंगी पांच की बजाय ठीक है सो तो कुछ ना कुछ अफाका हो जाएगा मतलब आप कहेंगे कि भाई जहाँ तीन जहां चीज़ें याद रख लें वहाँ पाँच इधर भी याद रख लेंगे लेकिन जो ऊपर वाली दो चीज़ें न वो खुल जाएंगी लेकिन जो कंपेरिजन से नीचे वाली तीन चीज़ें याद की गई होंगी ना वो हमेशा याद रहेंगी ओरिजिन रीजन सी सेवन और टीम वन व टीम रहा ठीक है अब जाहिर सी बात अब कॉन्टीन्यूसली औरजिनेट करेंगे तो सी सेवन के बाद डेफिनेटली टी वन वा टीब आता है तो अगर आप सी सेवन याद रख लेंगे तो टी वन भी याद जाएगा ठीक है एंड देन उसके बाद हम देखें लोअर पार्ट ऑफ लेगमटम नुकाय अच्छा अच्छा ये है ना लेगमटम नुकाए जो कि मैंने आपको ट्रेपीजियस में भी दिखाया था ट्रेपीजियस तो सारे लेगमटम नुकाई को कवर कर लेते हैं ना लेकिन जो ड्रम्बॉयल माइनर होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द लेगाम नुकाय को कवर करता है क्योंकि क्योंकि वो सी सेवन के करीब करीब से निकल रहा है ना सो तो वो इतना ऊपर से औरजिनल नहीं करेगा वो तो लोअर पार्ट ऑफ द लेगाम नकाए से निकल जाएगा ठीक है औरिजिन निकलेगा वहाँ से इसके बाद हम इंसर्शन देख लेते हैं सो इंसर्शन मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था कि ऊपर नीचे ये इंसर्ट हो रहे थे तो ऊपर क्या इंसर्ट हुआ था मीडियल बॉर्डर के ऊपर क्या इंसर्ट हुआ था सुपेर एंगल से लेकर कर पा पड़ता था कैपुल सो उससे नीचे क्या है रोम्बॉइड माइनर ठीक है और यहाँ देखो तो ये रूट ऑफ स्पाइन है रूट ऑफ स्पाइन स्कैपुला है और इसके बिल्कुल यहाँ से ये रहे हैं ठीक है बिल्कुल रूट ऑफ स्पाइन स्कैपुला के करीब पे जाकर ये इंसर्ट हो रहा है सॉरी इंसर्शन ले रहा है सो ट्राइंगुलर एरिया आर द रूट ऑफ द स्पाइन एंड देन द नेक्स्ट लास्ट थिंग इज द रोबॉय मेजर रोम्बॉइड मेजर जो है वो ओरिजिन लेता है कहाँ से लेगा आप टी वन तक तो कवर हो गया आप क्या बचते हैं टी टू से लेकर टी फाइव तक पर, टी टू बचता है टी टू आएगा फिर उसके बाद अब पहले रोबाइट मेजर है तो ज़्यादा बड़ा ओरिजिन लेगा यहाँ पर तो बेशक ये दो से लिए इसने लेकिन ये यहाँ पर चार वर्टीप्रस ओरिजिन लेगा क्योंकि मेजर मसाला है ठीक है तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं ये सी सेवन एंड टी वन था इसका या ऊपर वाले से आज रख लो सी वन से लेकर सी फोर तक पहले कवर हो गए सी फाइव और सी सिक्स का आपने गैप लिया उसके बाद सी सेवन से लेकर टी वन सी सेवन और टी वन आ गए फिर उसके बाद कोई गैप नहीं है क्योंकि रमबाड़ माइनर रमबाड़ मेजर एक जैसे नाम है तो एक साथ सीक्वेंस में आएंगे ये एंड देन सो क्योंकि गैप नहीं आ रहा तो टी वन के बाद डेफिनेटली टी टू आएगा एंड टी टू से लेकर टी फाइव और टी वन क्योंकि मेजर मसल है सो so, अगर माइनर दो से ले रहे हैं ओरिजिन तो मेजर चार से लेगा ठीक है तो टी टू से लेकर टी फाइव और टी प्लस इस तरह आप याद रख सकते हैं ठीक है अगर फिर भी समझ नहीं आई तो वीडियो रिवाइंड कर लें जब तक याद नहीं होता उस तक कोशिश करें कि सुनते रहें ठीक है लेकिन इन पूरी कोशिश करूँ कि एक ही मतलब मैं आपको याद करवा दूँ नेक्स्ट थिंग जो है वो है इंसर्शन सो इंसर्शन अब जाहिर सी बात है मैंने कहा था कि सिक्वेंस लिए आपस में सिक्वेंस के सामने इंसर्ट होते हैं तो ऊपर क्या था लेवेट स्कैपुल उसके बाद क्या है रोमबॉइड माइनर उसके बाद ये सारा पोर्शन रोम्बॉइड मेजर कवर कर रहा है कहाँ से रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपोला से लेकर ये कौन सा एंगल होता है इन्फीरियर एंगल ऑफ़ द स्कैपोला तक ये सारा का सारा जो ब्लैक से शो किया गया है ये जो ब्लैक से शो किया गया है ये रोम्बॉइड मेजर का इंसर्शन है ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम रूट टू द इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्केपोला ठीक है सो होप्स हो so, कि आपको समझ आ गई होगी अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज़